आज हम बनाने जा रहे हैं बेक टमाटो कॉर्न चीज। उसके लिए हम सबसे पहले टमाटो को स्कूप करेंगे। टमाटो को हमने हाफ कर लिया है और इसको हम स्कूप करेंगे। स्कूप करके ये सारा पल्प इसका निकाल देते हैं। थोड़ा पॉइंटेड सी नाइफ लेके हम इसको अंदर तक स्कूप करेंगे। इस तरह से हम सारे टमाटो को तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और आप इसको मेन कोर्स में भी सर्व कर सकते हो और स्नैक्स में भी। अब हम ये स्कूप करा हुआ टमाटर का थोड़ा सा मिक्सचर है मेरे पास और इसमें मैं डाल रही हूँ रेड बेल पेपर्स, ग्रीन बेल पेपर्स और थोड़े से कॉर्न्स, अमेरिकन कॉर्न्स। और इसमें हम डाल रहे हैं सॉल्ट अबाउट हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर अबाउट 1/4 टी स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें टबेस्को या कैप्सिको कोई भी चिली सॉस डाल सकते हैं और थोड़े से हर्ब्स डालेंगे, ओरिगैनो, पार्सले या फिर आप मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज कर सकते हो। और हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा चीज ग्रेटेड, मोजरेला चीज ग्रेटेड भी डालेंगे। ये मिक्सचर हमारे पास बनके तैयार हो गया। अब हम ये स्कूप करे हुए जो टमाटोज हैं इनको भरेंगे इसी मिक्सचर के साथ। अच्छे से इनको फिल कर सकते हैं। अगर आप इसको नॉन वेजिटेरियन बनाना चाहते हो तो इसमें बॉयल एंड श्रेडेड चिकन पीसेस भी हम ऐड कर सकते हैं। टमाटोज को मैंने स्कूप कर लिया, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ज्यादा चीज पसंद है तो आप थोड़ा ऊपर से डाल सकते हो, नहीं तो आप जैसे हमने फिलिंग करी है एज इट इज भी हम इसको छोड़ सकते हैं। और इसके ऊपर फिर से हम थोड़े से हर्ब्स डालेंगे, मिक्स्ड हर्ब्स मैं यूज कर रही हूँ। आप बेसिल भी यूज कर सकते हो, ओरिगैनो भी यूज कर सकते हो। अब मैं इसको माइक्रोवेव करूंगी अबाउट 1 मिनट के लिए और फिर हम इसको गरम गरम गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। हम इसको निकालते हैं। जी कॉर्न टमाटोज बनके तैयार हो गए, आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हो।